शिवा का ढाबा, शिवा का ढाबा सिद्धू भाई ने मंगाए हैं आलू के परोठे चार, आई हैव ऑल द फोर ऑफ देम। भाई साहब अभी डाइट पे हैं तो इसलिए इनका ये हाल है। राहुल ने क्या मंगाया भाई? राजे की पराठी मंगवाई, साथ में चाय चूनी पीनी, दही चाय के साथ। अभी हमने चाय ऑर्डर की है भाई, पूरे मेन्यू के अंदर घुसे पड़े हैं। भाजी प्लीज छोड़ दो। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, अब हम मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। तो जय भोलेनाथ, जाने के हमारे गाइड भाई है जो कि हमें पूरा ट्रैक कराएगा। हाँ जी भैया, भैया नाम क्या आपका? क्या नाम है भैया? आरिफ। ये आरिफ भाई है, कुछ बताएंगे भैया क्या है ये? ठीक है, हम यहाँ से पूरा राउंड लगा के सीढ़ियाँ उतरेंगे। चोली की जली है, हिमालय का व्यू और अल्मोड़ा वगैरह, नैनीताल वगैरह ये व्यू दिखता है। 2000 फीट गहरी गई। ठीक है, तो भैया हम ट्रैक स्टार्ट करें। जिन्होंने लास्ट टाइम यहाँ पे तपस्या करी थी, तपस्या करी थी और शिवलिंग की स्थापना करी थी, वो हिमालय जो गए थे वो यहीं से होते हुए गए थे लास्ट टाइम। तो यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 5350 वर्ष पुराना है, पौराणिक पांडवों के जमाने का। तो पांडव जब थे अज्ञात वर्ष में यहाँ पे आए थे, यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहीं से मुक्ति के लिए वो हिमालय की तरफ बढ़े थे, जहाँ पे लास्ट टाइम उनको मुक्ति मिली थी। और यहाँ से पंचाचोली जो पर्वत है वो पूरा क्लियर दिखता है ना, वो पाँच पहाड़ एक हट्ठा दिखाई देते हैं, उसे पंचाचोली पर्वत बोलते हैं। पाँच पांडवों की स्मृति है, इसलिए उसका नाम भी पांडव से रिलेटिव रखा गया। तो ये कहाँ पे है? यही आगे आएगा ये? जी हाँ सर, ये आगे जो हिमालय दर्शन का पॉइंट है ना, जैसे है तो ये त्रिशूल भी दिखता है यहाँ से, चौखंबा नंदा देवी सब पिक से दिखाई देती है। अल्मोड़ा सिटी यहाँ से पूरा दिखता है, 40 किलोमीटर अल्मोड़ा है। ओके, बाकी ये ट्रैकिंग आउट कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है, जिसको थोड़ा सा शांति चाहिए, ट्रैकिंग करनी है, रिवर जाना है, एडवेंचर के लिए। लोकल यहाँ पे लोग जो खेती बाड़ी होती है ना, कृषि वगैरह यहीं पे कराई जाती है। यहाँ पे हर वैरायटी के फ्रूट होते हैं ना, एप्पल हो गया, आलू बुखारा, नाशपति। पूरा लोकेशन नैनीताल जो इस साइड हुआ ना, फ्लैट जो पहाड़ी दिख रही इसकी बैक साइड में हुआ नैनीताल। नैनीताल जी हाँ, जो नैनीताल। तो नैनीताल यहाँ से कितने किलोमीटर? 52 किलोमीटर है यहाँ से। सारी गाड़ियाँ यहाँ से आती है, रामगढ़, भवाली, एप्पल गार्डन, घूमते घूमते मुक्तेश्वर। इसके पीछे नैनीताल, नैनीताल का एक ही रोड है ना। ओके, और नीचे वाला जो रोड है ये पीछे अल्मोड़ा जाता है, इस साइड पीछे अल्मोड़ा है ना, जो गाड़ियाँ खड़ी है ना ये बैक साइड में अल्मोड़ा सिटी 40 किलोमीटर के वहाँ जाते हैं हम सीधे अल्मोड़ा। तो इससे ऊपर कौन सी जगह? ऊपर फिर हाइट है मुंशहरी, पड़ता है 9500 फीट मुंशहरी। जी हाँ, वहाँ पे क्या वैसे मैं
तो 9,500 फीट ऊंचाई पड़ता है वहाँ पे, से हिमालय दिखने जाते हैं वहाँ पे, जो है हिमालय बहुत क्लोज दिखता है। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी मुंजारी में है। मुंजारी में। और मुंजारी कितने किलोमीटर है यहाँ से? वाटरफॉल 380 किलोमीटर, बहुत ही दूर है, बहुत ज्यादा। 2 दिन की ड्राइव है। जी हाँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रॉक क्लाइंबिंग में? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगा, सो पहले मैं डर गया था। थैंक्स टू ये भैया जिन्होंने वेलकम सर हमें कराया। तो फर्स्ट आप फर्स्ट टाइम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं ऐसे? पहले मैंने पहली बार किया। अच्छा। नॉर्मल करी है वो जो पार्क वगैरह में होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं आपका अच्छा अटेम्प्ट था, बिल्कुल आपने अच्छा अच्छा, और आपकी गाइडनेस है, स्पीड भी अच्छी रही और मैं चढ़ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भैया। आपका नाम क्या? यशवंत। यशवंत भाई, जब भी आप कौन सी जगह भी है? मुक्तेश्वर चोली की जाली। मुक्तेश्वर चोली की जाली आओगे तो ये भैया को जरूर कांटेक्ट करना। थैंक्स भैया, ये हमारे गाइड भी हैं, इन्होंने बहुत लाइक बढ़िया में ट्रीट किया, बताया सारा। थैंक्स भैया।
ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। पैराग्लाइडिंग कर ली है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इवन मैं ऊंचाई से बहुत डरता था बट फिर मैंने किया क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है और अगर आप डरते ही रहे तो लाइफ में मैं तो काश कहना चाहता कि हाँ मैंने करना है तो करना है। बाकी भाई का एक्सपीरियंस पूछो कैसा रहा। मैं भी बहुत डर रहा था बट एटलीस्ट अब ये है कि इससे नेक्स्ट लेवल स्पोर्ट्स मैं बिल्कुल करूँगा और मेरे पाजी भी करेंगे, हम दोनों साथ में करेंगे। तो भाई इसमें रहा हमारे जो दोनों चारों भाई हम आए थे उनमें से सबका प्लान था करने का बट एट द एंड जब हम ऊपर पहुँचे तीनों ने मना कर दिया। फिर राहुल भाई कहता नहीं मेरे को तो करना है, उन दोनों ने नहीं किया पर उन्हें ये चीज़ मिस ज़रूर की है। अगर आपको कोई भी एडवेंचर्स के बारे में कुछ भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। सो जितना मेरे हाथ में होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। सो इस आगे भी हम एडवेंचर्स कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ओके बाय बाय।